हर मुल्क अपनी इकोनॉमी को उठाने के लिए कोई ना कोई ख़ास इकदाम उठाता है। अमेरिका में हर जगह आपको कारोबारी मराकज नज़र आएंगे जो तरह तरह से और नए नए ढंग से नए तरीक़ेकार से पता करते हुए पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, पैसा भी कमाते हैं और सहूलियात भी फराहम करते हैं। और बिज़नेस में अच्छा बिज़नेस ये होता है कि आप अगर कीमत ले रहे हैं तो वैसा ही रिटर्न में माल और बिजनेस उसी तरीके से मुहैया कर क्वालिटी क्वांटिटी और तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए। जिस तरह पुराने ज़माने में शहर से बाजार बाहर बाज़ार बसाए जाते थे, आज भी वैसे ही तरीक़ेकार होता है। ये लुधियाना स्टेट से अगर हम टेक्सस की तरफ जाएं तो चंद मील पहले एक मकाम पे लुधियाना माल के नाम से एक शहर ही बसा दिया गया है, जहाँ पे हर सहूलत मुहैया की गई है कि दुनिया भर से जितने यहाँ पे आए ग्राहक उनको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अशिया मिलें और एंटरटेनमेंट हो और वो खुश रहे। छोटे छोटे होटल्स बनाए गए हैं जो पूरी पूरी सहूलियात देते हैं, बड़े होटल्स भी मौजूद हैं और बड़े बड़े प्लाजा साथ साथ बड़ी बड़ी मार्केटिंग मॉल सारे मौजूद हैं। लेकिन उन तमाम को इकट्ठा करके एक जो है माल आप लुधियाना के नाम से इकट्ठे कर दिया गया है, जिनके अंदर बहुत बड़ा एक प्लाजा है जिसके अंदर तीन चार विंग हैं जो दूर दूर तक चले जाते हैं और सैकड़ों की तादाद में उसमें शॉप्स हैं और बड़े बड़े ब्रांड जो बाहर भी जिन्होंने पूरी पूरी अपनी दुनिया बसाई हुई है अंदर भी वो मौजूद होते हैं। बाहर इसका पार्किंग लॉट इतना बड़ा है, 6 पार्किंग लॉट्स हैं और हर हिस्से में 5,000 गाड़ियों के खड़ी करने की गुंजाइश। हमें भी तकरीबन सभी 6 के 6 पार्किंग लॉट घूमने पड़े और आखिरकार एक जगह पे हमें मौका मिल गया और वहाँ से गाड़ी पार्क करके हम अंदर की तरफ आए तो एक नया जहान हमारे सामने मौजूद था। हर तरफ रौनक, दुनिया आ रही है जा रही है, हर रंग नस्ल का आदमी मौजूद, हर उम्र का इंसान, मर्द औरत बच्चे बूढ़े सब यहाँ पे मौजूद और अपने अपने दुनिया में देखने के लिए, अपना एक वक्त गुजारने के लिए, अच्छी से अच्छी चीज़ें देने के लिए, या एक से एक आला ब्रांड और आदर चीज़ें मौजूद हैं उनको देखने के लिए आए हैं। ये सामने आप देख रहे हैं कि जैसी पैनी और इस तरह दूसरे तमाम बड़े बड़े जो मॉल्स हैं वो मौजूद हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर जो है वो एक बड़ा माल ऑफ लुधियाना के नाम से है। और इसमें जो बड़ी चीज़ है कि वहाँ पे फूड कोर्ट मौजूद हैं, वहाँ पे ड्रेसेस और बुटीक्स और खाने पीने की रेस्टोरान तक शॉप्स और मतलब है कि हर तरीके से शॉप्स हैं जहाँ अपनी मर्ज़ी और पसंद के मशरूबात जो है वो आप ले सकते हैं। ये देखिए ये मैप है, पूरा गाइड मैप या पूरे मॉल आप लुधियाना की सारी शॉप्स और मॉल्स का जो है वो तस्करा किया हुआ है। जब आप अंदर आते हैं हर तरह से एक अजीब खूबसूरत सा मंजर दिखाई देता है और जगह जगह पे रुक कर इंसान फोटोग्राफी करने पे मजबूर हो जाता है कि इतना खूबसूरत लोकेशन बनाई गई हैं। यूँ लगता है कि जैसे खूबसूरत सेट लगे हुए हैं और बाजार के और हर तरफ रौनक है और दोस्त फिर रहे हैं। कोई जगह ऐसी नहीं है कि जहाँ खड़े होकर जीना चाहे आदमी का कि यहाँ फोटोग्राफी की जाए। सभी लोग यहाँ आ रहे हैं अपने रूममेट्स के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ और यहाँ आके एंजॉय करते हैं और उसे मुख्तलिफ मॉल्स को देखते हुए घूमते हुए और मुख्तलिफ ब्रांड्स की शॉप से होते हुए। और सामने जो आप ये देख रहे हैं, सामने ये एड्रेस है मेन माल ऑफ लुधियाना की और उसमें ये बार भी जगह जगह पे वो शॉप्स मौजूद हैं। ब्रांड को एक ब्रांड तो है नहीं, हज़ारों की तादाद में ब्रांड्स हैं जो अपने अपने मसनूआत के साथ अपने अपने चीज़ों के साथ वहाँ पे मौजूद हैं। अब ये चीज़ तो आपके ऊपर है कि आप चॉइस क्या करते हैं। सारी जगहों की अपनी खूबसूरती है
लेकिन उसके साथ साथ जो मेन माल है, माल के अंदर उसका अपना हुस्न है और इस तरह से वो मौजूद होते हैं लोग कि सभी जो है वो अपने अपने पसंद अपनी अपनी चीज़ों से उनको देखकर मुतासिर होते हैं। जो ही आप अंदर दाखिल होते हैं माल के ऑटोमेटिक दरवाजे जब खुलते हैं और अंदर पूरा ठंडा निज़ाम एसी का मौजूद है, मालूम नहीं कितने बड़ी ताकत के एसी यहाँ लगे हुए हैं कि इतने बड़े प्लाजे को जिन्होंने ठंडा किया हुआ और ये एस्केलेटर्स लगे हुए हैं और ऊपर देखिए क्या मेन गुम्बद खूबसूरत सा बनाया गया है, रोशन हवादार हवादार इस लिहाज से कि अंदर से माल ही ऐसा है एक ये दिखिए एस्केलेटर से कितने ही देर में कितने लोग ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पे लाखों की तादाद में रोज़ाना आते हैं, हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो रोज़ाना यहाँ पर आते हैं और यहाँ एंजॉय करते हैं। बच्चों के लिए अपनी दुनिया, बड़ों के लिए अपनी दुनिया, नौजवानों के लिए अपनी दुनिया और बूढ़ों के लिए अपनी दुनिया, सभी लोगों ने ये रौनक लगाई हुई है। अब जो ही आप एस्केलेटर से ऊपर अंदर जो है वो दाखिल होते हैं तो सामने एक वसीवरी दूर तक फैला हुआ एक और बड़ा बहुत बड़ा गुंबद नज़र आता है जिसके नीचे चारों जानेब दूर दूर तक बाउंड्रीज बनी हुई हैं, बालकनीज बनी हुई हैं और तरह तरह के रेस्टोरान और होटल और खाने बनाने वाली कंपनियां जो हर तरह का खाना आपको मुहैया करती हैं, चाहे आप किसी भी इलाके के हों किसी जगह के रहने वाले हों आपको अपने अंदाज के मुताबिक खाना मिल जाता है और अपने पसंद की शॉप से खाना लें और फूड कोर्ट में आकर बैठ जाएं, बैठ के खाना एंजॉय करें और साथ ही बच्चों के लिए वो स्विंग झूले और ये सारी चीज़ें मौजूद हैं जिनको आप टोकन देकर पैसे देकर उनसे टोकन लेते हैं और फिर उसके ऊपर आप उसकी सवारी करते हैं, जाते हैं बच्चों के लिए, बच्चे माशाल्लाह झूल रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं साथ साथ, और जो बच्चे डरते हैं उनके लिए उनके पेरेंट्स साथ खड़े हैं और उन्होंने थामा हुआ है बच्चों को और वो इस खूबसूरत स्विंग से मज़े ले लेके खुश हो रहे होते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को देख कर ये ऐसे लम्हात होते हैं खुशी के जो सारी ज़िंदगी याद रहते हैं और इंसान जब इन मौक़े को याद करता है जाकर अपने मेमरीज़ में अपनी याददाश्तों में उनको ले आता है तो वो एक अजीब सी उसे रूहानी खुशी महसूस होती है और वो चंद मिनट के लिए दुनिया की बाकी सारी चीज़ों को अलगम व अलाम को दुखों को भूल जाता है और खुश रहता है। यहाँ पे आपको फास्ट फूड, आप जानते हैं कि ये बड़े जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे मियां बीवी दोनों जो है वो दफातर में काम करते हैं, उनके पास तो वक्त ही नहीं होता तो सुबह करे होके वो नाश्ता बनाएं, दोपहर का खाना पकाएं, शाम को पकाएं, लिहाजा वो रेडीमेड बनी बनाई चीज़ें जो हैं वो उनके साथ गुजारा करते हैं और नहीं से होता है। और हफ्ता एतवार 5 दिन काम करने के बाद 2 दिन तो उनके लिए सुकून के बनते ही हैं और वो वहाँ रह कर अपने घरों में बैठे। अब ये देखिए कहीं ज्वेलरी है, कहीं ब्यूटी शॉप्स हैं, कहीं ड्रेसेस की बड़ी बड़ी कंपनियाँ, ये ज़ारा बहुत बड़ा ब्रांड नेम अमेरिका का और इसमें ये सिलसिला उनका, और इसके बाद शूज़ हैं तो कहीं खेलों का सामान है तो कहीं मेकअप की बड़ी बड़ी शॉप्स हैं यहाँ पे और हर ब्रांड ने अपना बहुत बड़ा बड़ा शॉप जो है वो बनाई हुई है। नीचे भी आप देख रहे हैं कि बिल्कुल इसके नीचे एक और बाज़ार आबाद है और जिस तरह ऊपर रौनक है और इतने लोग आपको नज़र आ रहे हैं इसी तरीके से नीचे भी इतनी ही तादाद में इससे ज़्यादा जो है। अभी तो ये सामने का है ये गैलरी और इसके बाद आगे चले जाएं तो ये घूमती हुई आगे दूर दूर तक चली जाती है। ये तो मैं आपको मेन पोर्शन दिखा रहा हूँ वरना ये दूर दूर तक ये माल चला जाता है, बाज़ार ही बाज़ार हैं और आप उनको घूमते जाएं और ये इसकी मुसम्मन शक्ल है और उस शक्ल में ये चारों तरफ घूम जाता है। अभी तो हम ये फ्रंट पर हैं,
کے اندر حقیقت یہ اندر بھی چاروں طرف سے موجود ہیں اور وہاں پہ سارے برانڈز جو ہے وہ موجود ہیں. دیکھیے لوگ کس طرح سے انجوائے کر رہے ہیں اور اپنے ساری چیزیں خریدتے پھر رہے ہیں, دیکھتے پھر رہے ہیں, اور مواقع ہیں ان کے پاس جگہ جگہ کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں. اور تو انہیں زیادہ تر تعداد جو ہے وہ ٹورسٹ جو یہاں پہ آتے ہیں گزرتے ہوئے, جیسے آپ سرے راہے سفر کرتے ہوئے رک جاتے ہیں اور کھانا وانا کھایا, چائے وائے پی, اور بچوں نے کوئی تھوڑی دیر کے لیے ریلیکس ہوئے, واش روم وغیرہ ریسٹ روم وغیرہ چلے گئے, اور اس کے بعد پھر آگے کو سفر پہ روانہ ہو جاتے ہیں. یہ بھی اسی طرح کا ہے, لیکن لوگ جو ہے اس کے لیے خصوصی طور پر تیار ہو کے آتے ہیں کہ مال آپ لوزیانہ سے وہ خریداری کریں گے. اب جیسی پینی دیکھیں گے سامنے ایک چھوٹا سا یہاں پہ نظر آ رہا ہے, لیکن باہر ان کا بہت بڑا پلازا ہے اور اس میں بھی یہ کیا ہوا ہے. تو یہ دونوں آپشن انہوں نے دیے ہوئے ہیں کہ آپ یہاں پہ آپ خرید سکتے ہیں یا آپ بڑی طرف جائیں, جہاں پہ آپ کا جی چاہے آپ کا سن. اب میسی یہ بہت بڑا چین ہے اسٹورس کی, اور یہاں پہ یہ موجود ہیں. اور اسی طرح آپ کو یہ دیکھیں فلیکس ہے اور الٹا ہے, اور یہ ساری بڑی بڑی کمپنیاں ساری تقریباً موجود ہیں. مجھے تو اس میں اسنیپس جو ہے یہ اتنے مجھے تو یاد نہیں رہتے, لیکن یہاں پہ جب آپ آتے ہیں تو آپ کو یہ بھی یاد آتا, اچھا یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. تو اس کے ساتھ اور ڈریسز آپ دیکھیں, ہر کسی نے اپنی مرضی کے ڈریسز جو ہے وہ پہنے ہوئے ہیں, اور اس مال میں گھوم پھر کے خریداری کر کے اور اپنے گھروں کو لوٹنے کی تیاری کر رہے ہیں.